एक और फतह, तहरीक इंसाफ के नाम नून लीग पीपी 38 सियालकोट की नशिस्त न बचा सकी, पीटीआई ने छीन ली। हुक्मरान जमात ने पीपी 38 का जिमनी मार्का मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरेयार 59,799 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीटीआई उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार ने 7,000 वोटों की लीड से कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी को 52,799 वोट मिले हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हामिद रजा कहलू से। हामिद, कहिएगा इस वक्त पीटीआई के हामियों के जश्न का समा कैसा है? जी, इस वक्त नहीं, थोड़ी देर कबल ही उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। जब आधे रिजल्ट आए थे तब उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक इस वक्त पीटीआई के एहसन सलीम बरियार, जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली के सबसे कम उम्र तरीन जो मेंबर सूबाई असम्बली बनेंगे, वो उन्होंने मैदान मार लिया है। 59,799 वोट लेकर उन्होंने ये मैदान मारा है। 52,799 वोट लेकर तारिक सुबहानी, जो कि खुश अख्तर सुबहानी के भाई थे, जिनकी वफात के बाद ये सीट खाली हुई थी, ये वरियू खानदान की विरासती सीट समझी जाती थी, इस सीट को उन्होंने छीन लिया। और आज का जो मार्का है पीटीआई ने मार लिया है। आज के इस मार्के में पीटीआई की फतह हो चुकी है। और सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ये मामला, जो जितना वोटिंग का अमल था, ये जारी रखा। 2,33,422 अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था। तमाम बारिश की वजह से जो है जो टर्न ओवर कम रहा, 27.5% टर्न ओवर रहा। ज्यादातर तादाद जो खवातीन की, उन्होंने वोट कास्ट किए और बल्ले पे मोहरें लगाई, जिसकी वजह से आज जो पीटीआई के उम्मीदवार उन्होंने मैदान मार रही है। पीटीआई के जो हामी है, जो वर्कर्स है, बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के जो एहसन सलीम बरियार है, उनके डेरा पर जश्न का समय है। शहर भर की अगर हम बात करें तो शहर भर में भी पीटीआई के जितने हामी हैं वो तमाम बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, तमाम हामी खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हामिद रजा कहलू इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, सियालकोट के हलका पीपी 38 के इलेक्शन में फतह के बाद खिलाड़ियों का जश्न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी एहसन सलीम बरियार के डेरे पर जश्न का समा है। कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफीक मुगल से। रफीक मुगल, बताइएगा जीत के ऐलान के बाद खिलाड़ियों का जश्न कैसा चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ये तराने बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में और खिलाड़ी जो है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर के मुंह से नवाला खींचने के मुद्रातिब है ये जो सीट जीती है और भारी अक्सरियत से जीती है। खिलाड़ी जो है वो जश्न मना रहे हैं। मौसम आज बहुत ठंडा था, बारिश हुई है, तो उस लिहाज से गर्मा गर्म पकौड़ों से और जलेबियों से कारकुनों की तवाजा की जा रही है और कप्तान के खिलाड़ियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नारेबाजी की जा रही है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, खूब जश्न मनाया जा रहा है। और ये सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता था, उस किले में दरारें डाल दी गई हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने और भारी अक्सरियत हासिल की है, तो कारकुन जो है वो जश्न मना रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला भी किया जा रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं, तो रश देख रहे हैं हम इस वक्त जो है उस जीते हुए उम्मीदवार के डेरे पर। ढोल की थाप पर बंगड़े भी डाले जा रहे हैं, आतिशबाजी भी की जा रही है, तो कारकुन बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई के नारे जो है बस वो ही चलाए जा रहे हैं आज पीटीआई के कैंपों में, और आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जी सही, पीटीआई ने ये सीट नून लीग से छीन कर फतह हासिल की है। बहुत शुक्रिया रफीक मुगल, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पीटीआई ने छीन ली। हुक्मरान जमात ने पीपी 38 का जिमनी मार्का मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 59,799 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीटीआई उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार ने 7,000 वोटों की लीड से कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी को 52,799 वोट मिले हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हामिद रजा कहलू से। हामिद, कहिएगा इस वक्त पीटीआई के हामियों के जश्न का समा कैसा है? जी, इस वक्त नहीं, थोड़ी देर कबल ही उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। जब आधे रिजल्ट आए थे तब उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक इस वक्त
पीटीआई के एहसन सलीम बरियार जो कि इस वक्त पंजाब असेंबली के सबसे कम उम्र तरीन जो मेंबर सूबाई असेंबली बनेंगे वो उन्होंने मैदान मार लिया है और 59,799 वोट लेकर उन्होंने ये मैदान मारा है। 52,799 वोट लेकर तारिक सुबहानी जो कि खुश अख्तर सुबहानी के भाई थे जिनकी वफात के बाद ये सीट खाली हुई थी, ये वरियू खानदान की विरासती सीट समझी जाती थी, इस सीट को उन्होंने छीन लिया और आज का जो मार्का है पीटीआई ने मार लिया है। आज के इस मार्के में पीटीआई की फतह हो चुकी है और सुबह से ले सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ये मामला जो जितना वोटिंग का अमल था ये जारी रखा। 2,33,422 अफराद ने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना था। तमाम बारिश की वजह से जो है जो टर्न ओवर कम रहा 27.5% टर्न ओवर रहा। ज्यादातर तादाद जो खवातीन की उन्होंने वोट कास्ट किए और बल्ले पे मोहरे लगाई जिसकी वजह से आज जो पीटीआई के उम्मीदवार है उन्होंने मैदान मार लिया। पीटीआई के जो हामी है जो वर्कर्स है बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के जो एहसन सलीम बरियार है उनके डेरा पर जश्न का समय है। शहर भर की अगर हम बात करें तो शहर भर में भी पीटीआई के जितने हामी हैं वो तमाम बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जी तमाम हामी खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हामिद रजा काहलू इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन सियालकोट के हल्का पी पी अड़तीस के इलेक्शन में फतह के बाद खिलाड़ियों का जश्न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी एहसन सलीम बरियार के डेरे पर जश्न का समा है। कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफीक मुगल से। रफीक मुगल बताएगा जीत के ऐलान के बाद खिलाड़ियों का जश्न कैसा चल रहा है। आज बिल्कुल तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ये तराने बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में और खिलाड़ी जो है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर के मुंह से नवाला खींचने के मुद्रातिब है ये जो सीट जीती है और भारी अक्सरियत से जीती है। खिलाड़ी जो है वो जश्न मना रहे हैं। मौसम आज बहुत ठंडा था, बारिश हुई है तो उस लिहाज से गर्मा गर्म पकौड़ों से और जलेबियों से कारकुनों की तवाजा की जा रही है और कप्तान के खिलाड़ियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नारेबाजी की जा रही है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, खूब जश्न मनाया जा रहा है। और ये सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता था उस किले में दरारें डाल दी गई हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने और भारी अक्सरियत हासिल की है तो कारकुन जो है वो जश्न मना रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला भी किया जा रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं तो रश देख रहे हैं हम इस वक्त जो है उस जीते हुए उम्मीदवार के डेरे पर। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, आतिशबाजी भी की जा रही है तो कारकुन बेहद खुश नजर आ रहे हैं और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई के नारे जो है बस वो ही चलाए जा रहे हैं आज पीटीआई के कैंपों में और आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जी सही, पीटीआई ने ये सीट नून लीग से छीन कर फतह हासिल की है। बहुत शुक्रिया रफीक मुगल, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।